बात कर ले सपा की, तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इन दिनों ताबड़तोड़ दौरों पर हैं और मिशन बुंदेलखंड पर है। आज दूसरा दिन है उसका और आज अपनी विजय रथ यात्रा लेकर वो ललितपुर पहुंचेंगे। अखिलेश की ये विजय रथ यात्रा महोबा से निकलकर ललितपुर पहुंचने वाली है। बताया ये जा रहा है कि 12 बजे का वक्त है जब ललितपुर पहुंच जाएंगे वो। कई इलाकों में जनसंपर्क रैली भी करेंगे। 3:20 पर ललितपुर से चलकर 3:50 तक वो हेलीकॉप्टर से झांसी पुलिस लाइन भी पहुंचेंगे। रात में यहीं रुकने का कार्यक्रम है। ललितपुर का ही रुख करते हैं। हमारे सहयोगी रतीश नजर बनाए हुए इस रैली पर, इस पूरे दौरे पर। रतीश, आज की क्या अपडेट है? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बुंदेलखंड दौरे का दूसरा दिन है, 3 दिवसीय दौरा है। और अगर पहले दिन की बात की जाए तो पहले दिन हमने देखा कि अपार जन समर्थन भी मिला है और तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, अपने सबसे बड़े नेता को पाकर काफी ज्यादा खुश दिखे। आज की अगर बात की जाए तो आज 11 बजे के आसपास ही बताया जा रहा है, 11 से 12 बजे के आसपास अखिलेश यादव पहुंचेंगे ललितपुर महोबा से और उसके बाद उनका जनसंपर्क का कार्यक्रम है। जनसंपर्क के साथ साथ एक जनसभा का कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम 3:20 पर ललितपुर में खत्म होगा और उसके बाद वो रुख करेंगे झांसी का। झांसी को बुंदेलखंड की राजधानी भी कहा जाता है और झांसी का रुख करने के बाद आज रात्रि विश्राम झांसी में करेंगे और कल झांसी में बड़ा जनसंपर्क किया जाएगा अखिलेश यादव के द्वारा। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रबंध किए गए हैं। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो बता रहे हैं कि झांसी को काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है, पारीशा है और तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, नेताओं से मिलेंगे और जनसंपर्क के साथ बुंदेलखंड को साधने की कोशिश करेंगे। बुंदेलखंड पूरे क्षेत्र में अगर बात की जाए तो 19 सीटें आती है और 19 में से एक भी सीट समाजवादी पार्टी को 2017 में नहीं मिली थी और इस बार 3 दिन का दौरा किया गया है अखिलेश यादव द्वारा। 3 दिन का दौरा किया जा रहा है और बुंदेलखंड को एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि नरेंद्र मोदी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, बुंदेलखंड में जो विकास का सूखा था वो अब भी सूखा है और अगर विकास के सूखे को दूर करना है तो समाजवादी पार्टी को लाना होगा। रतीश, आप नजर बनाए रखिएगा क्योंकि जिस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है, ग्राउंड पर क्या चल रहा है, ये आपके जरिए हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं लगातार। आज दूसरा दिन है बुंदेलखंड के दौरे का। रतीश, शुक्रिया।